I'm here only because your stare won't ever let me go. I'm here only 'cause I'm aware with you is better than all alone. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज बहुत दिन बाद मैंने वीडियो डाल रहा हूँ। लगभग 10 से 11 दिन हो गया है वीडियो आया नहीं चैनल पे, क्योंकि थोड़ा काम पे बिजी हो गया था मैं, थोड़ा पर्सनल काम था मेरा। तो आज जो वीडियो मैं अभी शूट करने जा रहा हूँ वो है रिक्का बाइक के ऊपर। ऑलरेडी तो 2 साल तो हो ही गया ना, 2 साल तो हो ही गया। ओके, तो 2 साल हो गया है बाइक का, और इसलिए आज इस बाइक के ओनरशिप रिव्यू लेंगे। तो गाइस, हियर इज रिक एंड इज क्लासिक 350, और यही लास्ट प्रोडक्शन है जिसमें ये वाला यूसी इंजन का लास्ट प्रोडक्शन है। हाँ, ये यूसी इंजन का लास्ट प्रोडक्शन है। हाँ, अभी तो जे सीरीज इंजन निकल गया। अभी तो मीटियोर का इंजन मिल रहा है, मीटियोर का जे सीरीज। तो यही लास्ट प्रोडक्शन है ये वाला इंजन के साथ, रॉयल एनफील्ड 350 का, और ये BS6 मॉडल। आप लोग तो कलर देख के आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, और इधर कैटलिटिक कन्वर्टर भी है, अब तो कन्फर्म ही हो गया है। तो बता क्या क्या अच्छा लगा इस गाड़ी के गाड़ी में। गाड़ी का सब कुछ अच्छा लगा, सिवाय मेरा 2-3 कमियाँ है। थोड़ा बहुत मतलब चलाने के बाद थोड़ा वाइब्रेशन फील होता है, वो तो क्लासिक का। हाँ, वो तो नेचर है क्लासिक का बस, और कुछ नहीं। थोड़ा कुछ कमियाँ फील हुआ अभी तक? हाँ, सस्पेंशन का कमियाँ थोड़ा फील हुआ, क्योंकि ये मतलब सेगमेंट का गाड़ी में, और थोड़ा सस्पेंशन और थोड़ा मतलब अच्छा बेटर हो सकता था। अच्छा है लेकिन इससे भी थोड़ा अच्छा हो सकता था। अच्छा, तो अभी तक क्या क्या काम हुआ है गाड़ी में? अभी काम हुआ है, सबसे पहले इधर से शुरू करता हूँ कि इधर से लुक्स को एनहांस करने के लिए ये 12 मीटर लगाया मैंने, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, आप लोग चेक कर सकते हो। और मेरा पूरा लाइट का सेटअप चेंज हुआ है, पूरा LED सेटअप कर लिया हूँ, और इधर नाइट आई इंस्टॉल है, राइट? ये पार्किंग लाइट है। अच्छा? ये पार्किंग लाइट मैंने LED करवा लिया। तो थोड़ा स्टार्ट कर दे, थोड़ा स्टार्ट करने के बाद मेरा हेड लाइट भी ऑन हो जाएगा। और ये लाइट को छोड़ के मैंने परफॉर्मेंस थोड़ा एनहांस करवाने के लिए मैंने ये परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट लगाया है। एग्जॉस्ट इंस्टॉल हुआ है, जो कि ग्लोब का कौन सा मॉडल है? ये ग्लोब का है, वाइल्डबो। ओके, 2 साल तो हो ही गया तेरे को? 2 साल हो गया बस, मतलब सेटिस्फाइड हूँ बस। अच्छा। रेगुलर सर्विस करवाता हूँ, बाकी एकदम बढ़िया। अच्छा, तो सर्विसिंग कॉस्ट कितना आता है मेरा? लगभग सर्विसिंग कॉस्ट आता है, मतलब अगर सर्विस सेंटर में ले जाऊंगा सब कुछ करवा के, लगभग एकदम पूरा ऑल ओवर गाड़ी का सब कुछ कंप्लीट करवा के 2-2.5 हज़ार रुपया तो आता है। अच्छा, इंक्लूडिंग मोबिल? इंक्लूडिंग मोबिल। ओके, और एयर फिल्टर तो उसमें आ जाता है? हाँ, एयर फिल्टर उसमें आ जाता है। अच्छा, तो अलग से खरीदना पड़ता है। हाँ, अभी तक माइलेज कितना मिल रहा है तेरे को? अभी माइलेज मिल रहा है मेरे को 35 मिल जा रहा है। सिटी के अंदर या हाईवे पे? सिटी के अंदर 30-35 मिल जाए, हाईवे जाने पर थोड़ा और थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, 30-40 तक भी चला जाता है। हाँ, पर मेरा एक ऑब्जेक्शन है इस गाड़ी को लेके। देखिए, ये गाड़ी तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, और सभी का एक ड्रीम है एक बार ओन करना चाहता है। मेरा भी ड्रीम बाइक था तो मैंने अचीव कर लिया। तो पर एक जो कमियाँ है इस बाइक में वो है कूलिंग सिस्टम, तेरे को क्या लगता है? हाँ, ये मतलब सबसे मतलब डिसएडवांटेज है कि इसका मतलब कूलिंग सिस्टम नहीं है। एयर कूल्ड इंजन है, मतलब 350 cc का इंजन देने है, मतलब कंपनी दिया है, तो इसमें ऑयल कूल्ड इंजन या फिर लिक्विड कूल्ड इंजन देना चाहिए था, सिर्फ एयर कूल्ड इंजन दिया। हाँ, इसका जो कूलिंग सिस्टम है वो मेरे को उतना ज़्यादा खास नहीं लगा, क्योंकि सिटी में ये बाइक मैंने बहुत ज़्यादा राइड किया हूँ, पर जब हीट होता है ना, मतलब होता है ना भाई, से कुछ काम नहीं होता, जब हीट होता है ना पूरा पैर जलने लगता है, पूरा पैड जल जाता है भाई। ये क्या LED है या बल्ब? नहीं, ये बल्ब है, लेकिन मैंने ये हैजर्ड सिस्टम ऑन मतलब करवा के रखा हूँ।
अच्छा, मैं एक बार जला के दिखा देता हूँ। ये सिंगल ओके, स्विच दबाने पर चारों इंडिकेटर जलने लगते हैं। अच्छा, तो इसमें कितना मोड मिलता है हैजर्ड में? इसमें बस एक ही मोड है। अभी मेरा फ्लैशर जो होता है एक ऐसा, हाँ। मतलब मशीन जो आता है फ्लैशर, वो अभी तक मैंने इंस्टॉल नहीं करवाया। अच्छा, नॉर्मल जो हैजर्ड होता है वो इंस्टॉल है? नॉर्मल हैजर्ड इंस्टॉल है। अच्छा, ये वाला स्विच है क्या? हाँ। अच्छा, ये वाला। अच्छा, ये किसका स्विच है? ये हेडलाइट का स्विच है। जब मैंने गाड़ी स्टार्ट किया, ऑन किया, तब ये हेडलाइट ऑन है। इसमें तो डिस आपको मिल जाता है, कितना एमएम का डिस मिलता है इधर? हाँ, इधर पे मेरा 280 एमएम का डिस मिलता है। और पीछे? पीछे 240 का। तो ब्रेकिंग का कोई कमी? ब्रेकिंग अच्छा है, ब्रेकिंग पीछे का मतलब उतना अच्छा नहीं है, सामने का अच्छा है। अच्छा, ब्रेकिंग ठीक ठाक है। ओके, आपने तो कौन सा मोबाइल यूज़ कर रहा है अभी तू? मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ मोटुल का मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, इंजन ऑयल जो 1550 है, 7100। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है वो, फुल सिंथेटिक है। और मेरा और एक चीज़ तो दिखाना भूल गया, मेरा हॉर्न का भी मॉडिफिकेशन किया हुआ है। अच्छा, ये मॉडल में सिंगल हॉर्न आता है, तो मैंने अलग से डुअल हॉर्न करवाया, ये जो देख रहे हो। अच्छा, ये डुअल हॉर्न करवाया सकते हो। और इसके साथ ये डुअल हॉर्न, और इसके साथ एक टाइमर भी मेरा बैठा हुआ है जो हॉर्न को कंट्रोल कर रहा है। इधर पे है अब तुम्हारा टाइमर, मैं इधर हॉर्न बजाने पर ये ब्लिंक करेगा। एक सेकेंड, बुरा लगा तेरे को, लगता है इसमें अपडेट होना चाहिए? इसमें अपडेट होना चाहिए, फर्स्ट तो इसका मतलब कूलिंग सिस्टम अपडेट होना चाहिए, थोड़ा सा ब्रेकिंग अच्छा होना चाहिए। अच्छा, और इधर तो डुअल चैनल मिल जाता है ना? डुअल चैनल, ये वाला मॉडल में डुअल चैनल एबीएस मिल जाता है मेरे को। ब्रेकिंग थोड़ा अच्छा होना चाहिए, और मेरे को जो लगता है कि थोड़ा सस्पेंशन और थोड़ा सा बेटर होना चाहिए, मतलब ऑफरोडिंग पे। ऑफरोडिंग के, हाँ, ऑफरोडिंग के मतलब मामले में बात करूँ तो सस्पेंशन और थोड़ा बेटर होना चाहिए था। वैसे बेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे मतलब इस सेगमेंट से, इस सेगमेंट का जो गाड़ी है, इससे मतलब और मतलब गाड़ी भी है मतलब मार्केट में, उसका सस्पेंशन मैंने चेक किया, वो सब बाइक मैंने चलाया, ये वाला जब बाइक चलाया तो उसका सस्पेंशन कंपेयर टू क्लासिक अच्छा लगा मेरे को। अच्छा। यही। और हाँ, इसका वेट जो है, मतलब इसका वेट के वजह से इसका टॉप मतलब स्पीड जो है ना, मतलब वो वेट तो लगभग 200 केजी के आसपास है ना? 200 केजी का वैसे ही कर्व वेट है, 200 केजी, 197, तो लगभग दो, और एक्सरसाइज मिला के 200 का पार हो जाता है। अच्छा ना, तूने तो एग्जॉस्ट रिमूव कर दिया है स्टॉक, उसके वजह से थोड़ा वेट रिडक्शन हुआ है। अच्छा, तो लगता तो है लगभग 5-6 केजी तो हुआ है। ठीक है, तो छोटा मोटा मतलब मैं वीडियो वगैरह बनाता हूँ तो मतलब थोड़ा व्यू अच्छा आने के लिए इधर पे थोड़ा स्टिकरिंग किया हुआ है। अरे, स्टेन स्टेल्थ, हाँ, ये वैसे ये कलर का नाम स्टेल्थ ब्लैक है, तो इसका गाड़ी का भी नाम मैंने स्टेल्थ रखा। अच्छा अच्छा, तो आप लोग मेरा वीडियो देखते हो, आप लोगों को पता ही है, पहले भी मेरा वीडियो पे बोला हूँ कि फॉलो करने के लिए इसको, ये बहुत ही अच्छा अच्छा रील पोस्ट करता है ये। और बेसिक चीज़ जो सामने मिल जाता है इधर, 90x90 का टायर और 19 का सामने का टायर मिल जाता है आप लोगों को, और पीछे मिलता है 130x80 का टायर। और टायर चेंज हुआ है तेरा? हाँ, मेरा एक बार मतलब पीछे का टायर चेंज हुआ है, ये अपोलो का टायर है। और इसका ग्रिप कैसा है? बढ़िया है। और जो स्टॉक था उससे बेटर है? स्टॉक से बेटर है। अच्छा, तो सामने वाला टायर अभी तक चेंज नहीं हुआ, क्योंकि मतलब मेरा गाड़ी उतना भी नहीं चला, सामने वाला अभी भी मतलब ग्रिप है, अभी भी अच्छा चल रहा है, ये स्टॉक है। तो कितना ऑलरेडी तूने राइड किया है इस बाइक को? ये बाइक को मैंने राइड कर लिया 2 साल में लगभग 19,000 किलोमीटर। 19,000 चेक कर सकते हो, ये वाला मैं खोल देता हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे। ये 19,000 ऑलरेडी ड्रिवन है ये गाड़ी। और इसका सामने का जो टायर है, इसका जो कंडीशन है, आप लोग चेक कर सकते हैं। अभी तो मतलब अभी तक बहुत ही ज़्यादा, कुछ दिन पहले मैंने ऑफरोडिंग करके आया, इसीलिए थोड़ा गाड़ी गंदा लग रहा है, बाकी अगर गाड़ी साफ है, मेरे से तो साफ ही है। देखो, ये गाड़ी है कोई बताएगा ये गाड़ी है? नहीं, मतलब कुछ दिन पहले मैंने ऑफरोडिंग करवा के मतलब करके आया, इसलिए थोड़ा गंदा है, अभी अगर मतलब साफ हो जाएगा तो टायर का मतलब कंडीशन फिर भी मतलब बहुत अभी अच्छा है। तो देखिए गाइस, ये गाड़ी को लेके मेरे को जो बोलना है वो है कि पहली बात, रिक ने जो बोला कि कूलिंग सिस्टम अपडेट होना चाहिए, और फिफ्थ गियर तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, गाड़ी में थोड़ा बहुत वाइब्रेशन है,
जो कि अभी जो नया आया है कंपेयर टू BS4 BS6 का मतलब थोड़ा सा कम है। हाँ, पर BS4, अभी जो BS3 नया से? अभी जो नया आया है ना रिबॉन का, रिबॉन जो जे सीरीज इंजन, हाँ जो रिबॉन आया है उसमें वाइब्रेशन नहीं है, मैंने चला नहीं, वो उसमें एकदम भी वाइब्रेशन नहीं है, लेकिन जो मतलब ठीक है, ये अच्छा लगता है कि ये इसका नेचर है, नेचर है क्योंकि ये ओल्ड स्कूल है, इसलिए हाँ। मतलब ये इसके ऊपर ये वाला इंजन मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है, ये वाइब्रेशन मेरे को मतलब मतलब बैठ गया मेरे ऊपर। हाँ ये कि इधर 350 सीसी का इंजन मिल जाता है जो प्रोड्यूस करता है 19 हॉर्स पावर, राइट? यस, 19 हॉर्स पावर, 28 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क मिलता है, 28 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, इस गाड़ी का टॉर्क मतलब हाँ टॉर्क तो बढ़िया है, टॉर्क बढ़िया है, बहुत अच्छा टॉर्क, हाँ टॉर्क बढ़िया है इस गाड़ी का। रोल ऑन का चेंज स्प्रॉकेट मैंने लगाया, ये परफॉर्मेंस चेंज चेंज पूरा, ये स्प्रॉकेट चेन और इधर पे जो छोटा स्प्रॉकेट रहता है वो वाला भी, अच्छा रोल ऑन का किट पूरा किट ऑल ओवर किट मैंने चेंज करवाया, ये परफॉर्मेंस चेन चेन स्प्रॉकेट है। अच्छा जो स्टॉक वाला था वो कितने में खराब हुआ था, कितना स्टॉक वाला मेरा खराब हो गया लगभग 15,000 किलोमीटर पे खराब हो गया, 15,000 जो जितना ज़्यादा टॉर्क है उस हिसाब से ठीक ही है, ठीक है 15,000 चला मतलब ठीक ही है, बुरा कुछ नहीं है। और कुछ छोड़ रहा हूँ मैं नहीं, और तो कुछ मतलब मॉडिफिकेशन के मामले में तो कुछ नहीं छोड़ रहा। हाँ एक और एक चीज़ दिखा सकते हो, मैंने ये आफ्टर मार्केट मैंने ये लेग गार्ड भी इंस्टॉल करवाया है, ये वाला रबड़ कोटेड है, ये वाला रस्सी मतलब अभी जो मार्केट में आता है वो रोप का आता है, लेकिन ये रोप का नहीं, ये रबड़ कोटेड है, चेक कर सकते हो भाई, ये रबड़ कोटेड है। अच्छा तो प्राइस कितना पड़ा था ये? मेरा प्राइस पड़ा था, मैंने मार्केट से जब लिया था मेरा लगभग पड़ा था 1500 रुपया का, 1500 रुपये का। अच्छा तो अभी तो लगता है मतलब पूरा जो लेग गार्ड है और जो रबर कोटिंग है दोनों मिला के 1500? हाँ पूरा ये सेट है, पूरा एकदम लेग गार्ड ये रबर कोटिंग पूरा सेट है एकदम। अच्छा अच्छा तो अभी तो इंक्रीज हुआ है प्राइस? हाँ अभी थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है मेरा, ये हो गया लगभग 1 साल हो गया ये मैंने लगाया, तो ठीक ठाक है काम चल रहा है, मतलब अच्छा है, अच्छा मतलब हार्ड है, मतलब ये गाड़ी एक बार मेरे मतलब गलती से मेरा गाड़ी एक बार गिर गया था। अच्छा। तो पूरा इसके ऊपर पूरा एकदम गाड़ी था, पूरे मतलब गाड़ी एकदम रास्ते पे नहीं गिरा, इसके ऊपर ही पूरा था, तो समझ मतलब गाड़ी का इतना वेट है तो आप लोग समझ सकते हो कि कितना मजबूत है। और तेरे को क्या लगता है ये जो प्राइस पॉइंट पे तूने खरीदा है इसको, ये वो ठीक है या प्राइस ज़्यादा है? मैं बोलूँगा जो क्लासिक लवर है, जो रॉयल एनफील्ड लवर है, ये गाड़ी मेरे को सॉरी गाइस थोड़ा ये गाड़ी का साउंड आया है बैकग्राउंड, ये इग्नोर कीजिए। मैं बोलूंगा जो ये प्राइस सेगमेंट में मैंने जो ये गाड़ी खरीदा है, जो कितने में खरीदा था तू ये? मतलब मैंने जब खरीदा था मेरा ऑन रोड पूरा पूरी पड़ा था 230,000, 230 लगभग 2.5 लाख, लगभग 2.5 लाख मतलब वो 2.5 लाख मतलब 20,000 छोड़ के लगभग। और मैंने अगर तू लेग गार्ड इंस्टॉल किया है आफ्टर मार्केट, हाँ सब कुछ मॉडिफिकेशन करवा के समझ लो मतलब पूरा 2.5 लाख रुपया मेरा एग्जॉस्ट वगैरह टायर वायर वो जो मैंने चेन स्प्रॉकेट भी चेंज करवाया, हॉर्न LED सेटअप जो मैंने करवाया, ये ग्रिल सेट भी मैंने लगवाया, पूरा गाड़ी का सेट है, चारों इंडिकेटर, एक हेडलाइट और एक रियर लाइट का भी मतलब आता है, तो इधर भी ग्रिल इंस्टॉल है, हेडलाइट पे ये इंडिकेटर पे भी है और पीछे भी है, चेक कर सकते हैं। हाँ, लगभग तो ये करके मतलब 2.5 लाख रुपया तो मतलब उधर चला गया। मैं जो बोलूँगा कि जो क्लासिक लवर है, जो रॉयल एनफील्ड लवर है, उसको 2.5 लाख क्या, उसको 3 लाख, 3 लाख भी लगेगा, 3.5 लाख लगेगा, 4 लाख लगेगा, तो वो रॉयल एनफील्ड ही लेगा। नहीं वो तो रॉयल एनफील्ड लवर के बात हो गया, वो रॉयल एनफील्ड लवर के अलग। अभी जो मान लो कि रॉयल एनफील्ड मतलब लवर को छोड़ के जो मतलब नॉर्मल अगर कोई बाइकर्स है, जैसे मान लो 2.5 लाख रुपया देके अगर यही बाइक खरीदो, ये जो अभी जो आ रहा है 2,60,000 ऑलरेडी हो गया है, नया मॉडल जो आ रहा है 265 अभी चल रहा है, तो 2 लाख देख, मेरे को मानना है कि 2,60,000 देखे उससे अच्छा और 15,000-20,000 जोड़ लो और डोमिनार 400 आ जाएगा, फिर इसके कंपैरिजन में तुम्हारा वो भी आ जाएगा, क्या बोलते हैं वो, अब तुम्हारा जावा का भी बहुत मॉडल है, हाँ जावा 42 भी आ जाएगा, 42 भी आ जाएगा, जावा पेरक भी आ जाएगा, थोड़ा बहुत जोड़ना पड़ेगा, जो थोड़ा बहुत जोड़ना पड़ेगा, लगभग प्राइस सेम ही है। तो तेरे को क्या लगता है, देख जावा में कूलिंग सिस्टम भी मिल रहा है, उसमें लिक्विड कूलिंग सिस्टम मिल रहा है, जो कि इसमें तुम्हारा एयर कूल सिस्टम मिल रहा है, हाँ उसलिए मैं बोल रहा हूँ तेरे को क्या लगता है ये प्राइस पॉइंट ठीक है, ये मैं तो कहूँगा ये प्राइस सेगमेंट में मतलब ये सब कुछ मतलब जो नहीं है तो ये मतलब ठीक बात नहीं है। अगर कोई मान लो 2.5 लाख रुपया दे रहा है दे के मतलब कूलिंग सिस्टम इतना मतलब नहीं मिल रहा है, एयर कूल मिल रहा है, तो मैं कहूँगा कि मतलब ये प्राइस देने पर और थोड़ा सा मतलब 2-10,000-20,000 मिला के वो सब बाइक आ जाएगा, डोमिनर आ जाएगा, 42 आ जाएगा,
लेकिन जो क्लासिक लवर है, जो रॉयल एनफील्ड लवर है, तो भाई यही लेगा। एग्जॉस्ट का साउंड सुनाना भूल गया था, थोड़ा सुन दीजिए। आज आइए एग्जॉस्ट का साउंड भी सुना देता हूँ। तो गाइस आज का वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं, और वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गाइस आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फटाफट, और बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, तो भाई मिलते हैं दूसरा वीडियो पर बहुत ही जल्दी, और इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अभी इधर पर मैं रील शूट करूँगा, और वो जो रील है बहुत ही ज़्यादा मैं ट्राई करूंगा अच्छा करने के लिए, और अच्छा है कि नहीं वो तो आप लोग बताएंगे। तो फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम के ऊपर, सॉरी इंस्टाग्राम पे, तो नाम है काउंटलेस अंडरस्कोर ओडो, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, और इधर नाम आ रहा है, फॉलो कर लीजिए। तो बाय, और सब्सक्राइब कीजिए। बाय।